डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और हम सबको बहुत बहुत बधाई क्योंकि आज है एपिसोड नंबर 400वां। ये हमारा 400th एपिसोड है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देखते रहिए, आपने कोऑपरेट किया, सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 1 सितंबर 2019 और ये हमारे चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर IAS। इन पर रोज सुबह 4 बजे मैं ये करंट अफेयर्स का जो वीडियो है आपके लिए अपलोड करती हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारी वेबसाइट है ssccjlpinnacle.com और baljit.dhaka.com। शुरुआत करते हैं प्रीवियस क्विज से। प्रीवियस क्विज का क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में किस राज्य के डंडीगुल ताले और कड़ांगी साड़ी को GI टैग मिला है। आंसर है यहाँ पर तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये हमारा आंसर है। दूसरा प्रश्न है कि कोल इंडिया के जो नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका आंसर है प्रमोद अग्रवाल। ये हमारे प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस हैं। ये देखिए आज का पहला प्रश्न है। सरकार ने बड़े पैमाने पर 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करने पर कितने नए बैंक बनाने की घोषणा की है। तो कितने नए बैंक बनेंगे, 10 जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उनका विलय होने के बाद बनेंगे 4। आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा ए है, टोटल 4 बैंक। सरकार जो है उसने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को 4 बैंकों में विलय करने की घोषणा की है, पंजाब नेशनल के साथ ओरिएंटल बैंक। आप ये तस्वीर देखिए आपको सब समझ में आएगा। जो पंजाब नेशनल बैंक है उसका विलय हो रहा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक। ओके, ये तीनों जो है मिलकर अभी एक हो जाएंगे। जो कैनरा बैंक है और सिंडिकेट बैंक है इनका विलय हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक, फिर यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, और लास्ट में आपका इंडियन बैंक और अलाहाबाद बैंक, इनका विलय हो रहा है। तो टोटल फिर कितने बैंक हो जाएंगे, टोटल जो है 4 हो जाएंगे। और मैं आपको याद दिलाऊं कि इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ था जो अप्रैल 2019 में हुआ था। ठीक है जी, अप्रैल के महीने में, 2019 में हुआ था। 2017 में भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक जो है उसका विलय किया था। ये कब हुआ था, ये हुआ था साल 2017 में। ये थी जानकारी पहले प्रश्न के बारे में। आगे चलो, ये आपके सामने दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के विलय के बाद कौन सा बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। ये हमारे सामने क्वेश्चन है और आंसर है यहाँ पर आपका पंजाब नेशनल बैंक, PNB जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। PNB, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक, इनका विलय होने के बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होगा। कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक जो है विलय होने के बाद ये सार्वजनिक क्षेत्र के चौथे सबसे बड़े बैंक बनेंगे, और यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय होने के बाद ये 5th पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। और अब यहां पर हम कह रहे हैं कि ये दूसरा नंबर का, ओके, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक बनेगा। तो नंबर 1 पोजीशन पर कौन है, नंबर 1 पोजीशन पर है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो SBI है, देश का सबसे बड़ा बैंक है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है तीसरे स्थान पर बना हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, नंबर 1 पोजीशन पर कौन से हो जाएंगे, ये वाले तीनों, PNB, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनका विलय होगा ना, तो ये कौन सी पोजीशन पर हो जाएंगे, ये आपकी जो है 2nd पोजीशन पर आफ्टर SBI। आगे चलते हैं। यहां आपसे पूछा गया है कि पुस्तक ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये हमारा प्रश्न है, प्रश्न तीन है आपके सामने। यहां पर आंसर क्या होगा हमारा, आंसर है यहां पर पीटर बेकर है जिन्होंने ये पुस्तक लिखी। आंसर जो है बी है। किताब है ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री, पीटर बेकर ने लिखी है। पुस्तक एक युवा राष्ट्रपति की कहानी बताती है जिसने पहले अफ्रीकी अमरीकी राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल संभाला, और पुस्तक ने ओबामा के 8 साल के कार्यकाल को परिभाषित किया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। आपसे एक रिविजन क्वेश्चन पूछ रही हूं। लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग,
क्या नाम है, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग नामक ये जो पुस्तक है ये किस नेता के कार्यकाल पर आधारित है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग नामक जो पुस्तक है ये किस नेता के कार्यकाल पर आधारित है, एक भारतीय नेता, उनका आप मुझे नाम बताइए। और ओबामा की जो पुस्तक है यहाँ पर आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं। लिखने वाले कौन है, लिखने वाले हैं पीटर बेकर। अगला प्रश्न देखो, नृपेंद्र मिश्रा के पद छोड़ने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में विशेष ड्यूटी पर अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार सिन्हा को, आंसर यहां पर सी होगा। पिछले 5 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में कार्य करने वाले नृपेंद्र मिश्रा ने अपनी सेना निवृत्ति की घोषणा की है। मिश्रा अब सिर्फ 2 सप्ताह तक अपने पद पर बने रहेंगे। प्रदीप कुमार सिन्हा को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में विशेष ड्यूटी पर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। सिन्हा हाल ही में देश के कैबिनेट सचिव के पद से हेट हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, आंसर यहां पर क्या होगा, आंसर जो है हमारा यहां पर है प्रदीप कुमार सिन्हा। अब आगे चलते हैं और आपको मैं प्रदीप कुमार सिन्हा जी की तस्वीर दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। रिवीजन क्वेश्चंस भी करा देती हूँ। भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन है, भारत के नए कैबिनेट सचिव होंगे राजीव गौबा। क्या नाम है उनका, उनका नाम है राजीव गौबा। और राजीव गौबा के गृह सचिव का पदभार कौन संभालेगा, राजीव गौबा से गृह सचिव का जो पदभार है वो संभालेंगे अजय कुमार भल्ला। ठीक है जी, इन दोनों के नाम भी जो आप याद रखेंगे, भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन होंगे, राजीव गौबा, और राजीव गौबा से गृह सचिव का पदभार कौन संभालेगा, वो है अजय कुमार भल्ला। फर्जी डिग्री की बिक्री के आरोपों की जांच के लिए यूजीसी की 5 सदस्य समिति का प्रमुख कौन होगा, ये हमारा प्रश्न है। और आंसर है यहाँ पर धीरेन्द्र पाल सिंह। आंसर क्या है, आंसर है यहाँ पर धीरेन्द्र पाल सिंह, आंसर जो है हमारा डी होगा। यूजीसी ने कुछ विद्यालयों द्वारा फर्जी डिग्री की बिक्री के आरोपों की जांच के लिए एक 5 सदस्य समिति का गठन किया है। विशेष समिति का ये जो समिति है इसकी अध्यक्षता डीपी सिंह करेंगे। ओके, और यूजीसी के संयुक्त सचिव निजी विश्वविद्यालय सुरेंद्र सिंह द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। समिति की स्थापना जो है ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के बाद की गई है। आंसर यहाँ पर हमारा क्या है, आंसर है यहाँ पर हमारा धीरेन्द्र पाल सिंह, क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा आंसर है। आपको तस्वीर दिखाती हूँ, यहाँ पर आप देखिए धीरेन्द्र पाल सिंह। छठा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ उम्र कैद और मृत्यु दंड देने का एक विधेयक पारित किया है, ये प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, और ऐसा किया है पश्चिम बंगाल ने। आंसर यहां पर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा जो है सी है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने जो मॉब लिंचिंग है ओके उसके विरोध में एक विधेयक पारित किया है जिसमें आजीवन कारावास और फांसी की सजा का प्रावधान वाले कानून है। मवेशियों की तस्करी और बाल चोरी की अफवाहों के कारण लोगों को पीटने की घटनाओं की कड़ी निंदा की गई है और पारित विधेयक किसी व्यक्ति को घायल करने वालों को आजीवन कारावास और मौत की सजा तक देने का प्रावधान जो है इसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आंसर क्या है, आंसर हमारा जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। और मैं आपको रिवीजन कराती हूँ कि राजस्थान ने पिछले महीने लिंचिंग के दोषियों को उम्र कैद की सजा देते हुए एक विधेयक पारित किया था और ऐसा करने वाला राजस्थान जो है वो पहला राज्य था। अब हमने बात की पश्चिम बंगाल की, ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता है, गवर्नर जगदीप धनकर है, चीफ मिनिस्टर यहाँ ममता बैनर्जी है और यहाँ पर कंसबाती रिवर पर कंसबाती डैम जो है यहाँ का फेमस डैम है। यहाँ पर जो सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर है। आगे चलते हैं, हम आ गए हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 7। उपन्यास पिंजर जिस पर एक प्रसिद्ध फिल्म बनाई गई थी यह किसने लिखा था, यह आपको बताना है और यह लिखा हुआ है अमृता प्रीतम द्वारा। आंसर यहां पर क्या है, आंसर हमारा ए होगा। अब अमृता प्रीतम एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और कवयित्री थी।
अमृता प्रीतम जो है वो बहुत ही फेमस राइटर लेखिका थी और साथ ही साथ बहुत ही फेमस पोएटेस भी थी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 31 अगस्त साल था 1919, तब इनका जन्म हुआ था। ओके, और इन्होंने पिंजर सहित कई उपन्यास प्रकाशित किए, विभाजन के बारे में इन्होंने काफी सारी किताबें वगैरह लिखी हुई है, और अमृता प्रीतम की आत्मकथा भी है। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? इनकी आत्मकथा का नाम जो है अमृता प्रीतम की, उसका नाम है काला गुलाब। तो 31 अगस्त को इनको पैदा हुए 100 साल पूरे हो चुके हैं। ओके, तो ये क्या थी इनकी? ये इनकी 100वीं जयंती थी हाल ही में। तो ये थी जानकारी इसके बारे में। और यहां पर आप तस्वीर देखिए, अमृता प्रीतम, इनकी पुस्तक है पिंजर, और उसमें उर्मिला मातोंडकर, मनोज वाजपेयी जो है उन्होंने अभिनय किया था, और इस पर एक फिल्म भी बनी हुई है। रिविजन क्वेश्चन करा रही हूं। वर्ष 2019 में मदर ट्रीजा की कौन सी जयंती मनाई गई? मदर ट्रीजा की 109वीं जयंती मनाई गई। एक तो आप ये याद रखेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मनाई गई है 26 अगस्त को। ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न 8। इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि टाइगर रिजर्व के लिए कौन सा राज्य विशेष टाइगर फोर्स तैनात करेगा? टाइगर रिजर्व के लिए कौन सा राज्य विशेष टाइगर फोर्स तैनात करेगा? उत्तर है यहां पर उत्तराखंड। उत्तराखंड ऐसा करेगा। उत्तराखंड सरकार ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के स्पेशल टाइगर फोर्स, वहां पर स्पेशल टाइगर फोर्स रखने का निर्णय किया है, और इस बल में टोटल जो है वहां पर 85 लोग होंगे। यह बल रिजर्व में अवैध मानव घुसपैठ की जांच में प्रभावी होगा, और इससे रिजर्व में जो 250 बाघ हैं उनकी आबादी के को संरक्षण में मदद मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आंसर क्या है? आंसर हमारा यहां पर उत्तराखंड है। और मैं आपको याद दिलाऊं कि कुछ समय पहले मैंने वीडियो में आपके साथ कवर किया था कि 82 सदस्य विशेष राइनो संरक्षण बल जो है उसको अपॉइंट किया गया था जुलाई के महीने में काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अब हमने यहां बात की उत्तराखंड की। ये देखिए, ये जो छोटा सा राज्य है ये उत्तराखंड है। राजधानी देहरादून है, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पर जो है चीफ मिनिस्टर है। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5। लखवार डैम, तेहरी बांध और राम गंगा बांध जो है वो यहां पर लोकेटेड है। 9वां प्रश्न, भारत में एकल उपयोग प्लास्टिक पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान कब शुरू होगा? ये हमारा प्रश्न है, प्रश्न 9 है। ये शुरू होगा 11 सितंबर को। आंसर यहां पर क्या है? आंसर हमारा जो है यहां पर बी है। सरकार ने गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने की योजनाएं तय की हैं, और 11 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पूरे भारत में एकल उपयोग प्लास्टिक पर अंकुश लगाने के लिए जागरूकता अभियान जो है वो चलाया जाएगा। 2 अक्टूबर को जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, शहर स्थानीय निकाय वगैरह हैं, स्कूल आदि में प्लास्टिक कचरे के लिए एक विषय आदि में प्लास्टिक कचरे के लिए एक देशव्यापी श्रमदान आयोजित किया जाएगा, और 3 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक एकत्रित कचरे और रिसाइकलिंग के परिवहन के लिए अभियान होंगे। तो ये थी जानकारी प्रश्न 9 के बारे में। आगे चलते हैं, मैं आपको इससे संबंधित तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए सारे डिटेल्स दिए गए हैं। 11 सितंबर से अवेयरनेस ड्राइव टू कर्ब सिंगल यूज प्लास्टिक। और आपको मैं याद दिलाऊं कि भारतीय रेलवे भी 2 अक्टूबर 2019 से एकल उपयोग प्लास्टिक सामग्री पर प्रतिबंध लगा देगा। सिंगल यूज प्लास्टिक वाला जो होता है ना, उसको वो खत्म करेगा। आगे चलते हैं, यहां पर पूछा गया है 2019-20 वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP वृद्धि दर क्या है? तो यह है हमारा 5%। आंसर यहां पर क्या है? आंसर हमारा यहां पर 5% है। भारत की GDP 5.8% से घटकर 5% पर आ पहुंची है। ये थे हमारे आज के प्रश्न, और अब मैं आपको ले चलती हूं समरी कीवर्ड्स पर। ये देखिए समरी कीवर्ड्स हैं। अब फटाफट जो है हम इनको रिवाइज करते हैं। आप पूरे का पूरा वीडियो जो है मेरे साथ इन समरी कीवर्ड्स के माध्यम से रिवाइज कर लेंगे। सरकार जो है बहुत बड़े पैमाने पर 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करने जा रही है, और उसके बाद टोटल जो बैंक हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4। फिर इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट बैंक, इस मर्जर के बाद, इस विलय के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा पंजाब नेशनल बैंक। ओबामा द कॉल ऑफ
हिस्ट्री जो है ये पुस्तक लिखी है पीटर बेकर ने, ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी इन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ओके, यहाँ पर प्रदीप कुमार सिन्हा, ये आपको दिया गया है ना, प्रदीप कुमार सिन्हा जो है ये नृपेंद्र मिश्रा के पद छोड़ने के बाद प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में विशेष ड्यूटी पर अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। ओके, ये थे हमारे कीवर्ड्स। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है आपको हेड ऑफ कमिटी ऑफ यूजीसी फेक डिग्रीज। ओके, जो फर्जी डिग्रियां होती हैं, ओके, उनको पकड़ने के लिए, फर्जी डिग्री की बिक्री के आरोपों की जांच के लिए यूजीसी की 5 सदस्य समिति का प्रमुख जो है वो होंगे धीरेन्द्र पाल सिंह। वेस्ट बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल जो है, उसने मॉब लिंचिंग के खिलाफ उम्र कैद और मृत्युदंड देने के लिए विधेयक पारित किया है। अमृता प्रीतम जो है ये प्रसिद्ध पुस्तक पिंजर की लेखिका है और इनको साल 1919 में इनका जन्म हुआ था, 1919 में, तो इस वर्ष इनकी जो है 100वीं जयंती मनाई गई। उत्तराखंड जो है वहां पर स्पेशल टाइगर टास्क फोर्स जो है, स्पेशल टाइगर फोर्स फॉर टाइगर रिजर्व, वो नियुक्त की गई है। टाइगर रिजर्व के लिए उत्तराखंड जो है वहां पर राज्य में विशेष टाइगर फोर्स तैनात की जाएगी। उसके बाद 11 सितंबर से भारत में एकल उपयोग प्लास्टिक पर अंकुश लगाने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और 2019-20 वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत का जो GDP है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें वृद्धि दर क्या है, उसकी वृद्धि दर जो है वो है 5%। तो ये थे हमारे सारे समरी कीवर्ड्स। अब मैं आपको ले आती हूँ आज की क्विज पर। क्विज देखिए, क्विज फॉर द डे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के बाद कौन सा बैंक भारत का दूसरे सबसे बड़ा बैंक होगा, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, टाइगर रिजर्व के लिए कौन सा राज्य विशेष टाइगर फोर्स तैनात करेगा, ये दूसरा प्रश्न है। एक और प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ, थर्ड वाला, आप बताइए मुझे हाल ही में किस राज्य के डंडीगुल ताले और कड़ांगी साड़ी को GI टैग मिला है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जो है मुझे आपसे चाहिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा 400वां एपिसोड है, इसको लाइक जरूर करें, जितना संभव हो सके शेयर करें। मैं चाहूंगी कि जो लाइक्स हैं वो 1200 हो और वीडियो के जो व्यूज हैं वो मिनिमम 15,000 दो जरूर हो, ठीक है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर शेयर करें जितना भी आपसे संभव हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मेरे साथ साथ रोज ये जो वीडियो है आप इनको देखिए और इनको लर्न करें। मंडे से लेकर सैटरडे तक, ओके, संडे को छोड़कर मैं शाम को 3 बजे करंट अफेयर्स की क्लास भी लेती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं आपकी तैयारी कैसी है, आप उसको भी जरूर देखें। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, ऑल द बेस्ट। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।